आकाश गिर रहा है। तुम हर बार इसमें फंस जाती हो। टिंकरबेल, मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। मैं इस बेवकूफ स्कूल में फेरी डस्ट का यूज किस तरह से करूं? हिम्मत करना। टिंकरबेल, तुम अपनी डस्ट से मुझे परेशान कर रही हो। पूरे कमरे में हमारे कपड़े उड़ रहे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से अपना धनुष छत से उतारा है। और मेरी कंघी। सही सबक पिलाए तुम्हें फेरी। उसे वहाँ से बाहर निकालो। मैं इन बेवकूफ प्रिंसेस से परेशान हूँ। मेरी मदद करो। जैक, ऊपर क्या कर रहे हो? टिंकर बेल ने अपना डस्ट छिड़का और इससे मैं ऊपर अटक गया। अब मैं फंस गया हूँ। फिर से लड़ाई? अभी इनसे निपटती हूँ। हे मैलेफिसेंट, मेरी मदद तो करती जाओ, कब तक आ रहा हूँ? इसे अब फर्श पे फेंक देती हूँ। हाँ। रुक जाओ लड़कियों। टिंकर बेल कहाँ है? सब क्लास में जाओ। क्लास फिर से? तुम चुप रहो। हमें सेब की जरूरत क्यों है? क्या ही फर्क पड़ता है, हम में से कोई भी स्नो वाइट नहीं है। सब चुप रहो। तो तुम्हें सेबों पर चेहरे बनाने होंगे। अब क्या है? अरे बात कर सकती हूँ, क्या कोई नैप ब्रेक होगा? नहीं, काम में लगो। जैक, ये नजर रखेगा। मैं इससे परेशान हूँ, इसके बजाय हमें कद्दू दे दो, भले ही हेलोवीन नहीं है। बहुत हो गया। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो मैं मदद करता हूँ ना, दो मुझे। तुमसे मैंने कुछ करने के लिए कहा था क्या? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरिडा। वाह। बस करो, क्लास खत्म हुई, सब जाओ। मैं पढ़ाई से तंग आ चुकी हूँ। हाँ, काश मैं शादी कर पाती और पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। शादी? मैं शादी करना चाहती हूँ। मजाक कर रही हो क्या? सारे राजकुमार बेवकूफ हैं। रपंजल से ज्यादा तो वो शीशे के सामने टाइम खराब करते हैं। मुझे इसमें क्यों घसीटा? मैं मानती हूँ राजकुमार बेवकूफ हैं, बानो जैसे नहीं। वैसे तुम क्या चाहती हो, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? सच में बाने, उन छोटे सांता हेल्पर्स की तरह? नहीं, जंगली बाने, तुम लोग देखोगे कि वो कितने अच्छे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं भी। आ लड़कियों। ये क्या हुआ? कैसी हो राजकुमारियों? कौन हो तुम? ये मेरे बोने दोस्त हैं। ये बोने हैं। हाँ, तुझसे ही मिलने के लिए आए मेरी जान। हिलना मत। नेट, लगता है वो हमें शूट करना चाहती हैं। अच्छा तो मेरी जान। चल बता, अब तू क्या करने वाली है? क्या?
हमेशा की तरह तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोग बहुत ही कूल हो। सब मूर्ख हैं। अब तुम क्या करोगी? सो बेवकूफ। हेलो, हम मिल चुके हैं पहले ही। यहाँ पर क्या आर्चरी प्रैक्टिस कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अकेला छोड़ दो मुझे, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मुझे भी सीखनी है तुम्हारी ये आर्चरी। तुम देखते हैं, लगाओ निशाना। मैं ये कर सकता हूँ पता है, और तुम अभी देखने वाली हो। बेहतर होगा खुद को शर्मिंदा मत करो। यार लग गई। रोना बंद करो, मुझे देखने दो। तो मैलिफिसेंट ने हमें क्या सिखाया था? अरे दर्द तो ठीक हो गया। आज के लिए बस हो गई ट्रेनिंग, अब बाद में मिलते हैं। ओके, रपंजल और मेरिडा ने अपनी चॉकलेट कहाँ छिपाई थी? अरे नहीं, कोई आ रहा है। तो तुम सच में जंगल में रहते हो? हाँ, लेकिन असल में नहीं। वैसे जंगल बहुत ही अच्छा है, आजादी मिलती है हम सबको। तुम लोग लकी हो, मैं इस बेवकूफ स्कूल में फंस गई हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे स्कूल को खत्म करने में मदद करूँगा, और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए आजादी से रहेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो इतनी शांत क्यों है? अरे नहीं, वो शायद किस कर रहे हैं। वो मेरे बौने हैं। ये क्या बकवास है? टिंकर बेल, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? ओह सॉरी, पर मैंने ये जानबूझ के किया। ये कोको है, मैंने खुद बनाए हैं। शुक्रिया। गरम है। एक मिनट, अब ये बिल्कुल गरम नहीं है। अरे वाह, आप सच में सबसे अच्छी राजकुमारी हो। टीना, तुम पागल हो गया? मैं नहीं, तुम हो पागल। मैं दर्द से जाग उठी। तुमने जो किया उसे मानो। ये लो। अरे कुछ नहीं। अरे ये क्या है? छोटे से कीड़े, मूर्ख मटर। तुम सच में मटर की वजह से जगी? हाँ, मैं एक असली राजकुमारी हूँ। तुम नौटंकीबाज हो। मुझे अकेला छोड़ दो। मक्कार! बहुत हो गया, चलो बैठ के चुपचाप खाओ। मैं भी खाना चाहती हूँ। अरे मेरा क्या, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे बाल ही काट देते हैं, तुम हर जगह बालों से परेशान करते हो। तुम क्यों चिल्ला रही हो, लगती है ना? ओ, मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी टाइलर स्कूल को जल्दी खत्म करने और यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेगा। क्या? स्कूल खत्म करने में नेट मेरी मदद करेगा? तुम लोग पागल हो क्या? मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे। ओ तुम लोग। चुप हो जाओ। मैं इन झगड़ों से थक चुकी हूँ। चलो मैलेफिसेंट से फाइनल एग्जाम करने के लिए कहते हैं, और बॉने हम सभी को पास करने में मदद करेंगे। तो सब तैयार हैं? ओ हाँ, तैयार हैं। वो क्या लेकर आए हैं, फाइनल एग्जाम? वो स्कूल को जल्दी खत्म करना चाहते हैं इसीलिए। मूर्ख बेवकूफ, वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैलेफिसेंट, अगर वो सब कुछ पास कर लेते तो इसका मतलब है वो बाहर जाने के लिए तैयार है। नहीं, मुझे पता है वो तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें मना करती हैं तो वो कुछ और खुराफात सोचेंगे फिर। ठीक है, तुम सही हो, एग्जाम रखते हैं।
राजकुमारियां एग्जाम नहीं निकाल पाएंगी। तो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम मार्शल आर्ट, टारगेट हिट किया तो फिर एग्जाम पास। अरे नहीं, क्या कुछ आसान हो सकता है? इससे आसान क्या होगा? मेरिडा हमेशा की तरह बहुत खूब। अगला कौन है? बॉनी कहाँ है? उन्होंने मदद का वादा किया था। अगर वादा किया है तो मदद करेंगे। अगला कौन है? क्या हम सब साथ जा सकते हैं? तुम मजाक कर रही हो, हम नहीं कर पाएंगे। यकीन करो। ठीक है, फिर एक बार में ही आगे बढ़ो। यही टाइम है। क्या बकवास है? अच्छी निशाना लगा। चलो चलो। क्या बात है? मूर्ख मक्खियाँ, शूट करो। शूट करो। हमारा काम हो गया। क्या काम? हाँ हाँ, क्या तुम तो क्या हम पास हो गए? हाँ। अपना एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, शुक्रिया। क्या तुम बीच पर चलना चाहोगी मेरे साथ? वहाँ पर हमें मरमेड भी मिलेंगी। नहीं थैंक यू, मुझे उन मछलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। कभी ना कभी तो बदले गए। ये है पहले एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया टाइलर। मुझे भी वो चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? नेट को किस मैं करूँगी? क्या मेरी लिपस्टिक ठीक है? रहने दो। अरे कुछ मिसिंग है। ओह मेरिडा, मुझे अपना पेंडेंट पहनने दो। नहीं, छूने की हिम्मत भी मत करना। ओह रैपंज़ेल, क्या बात है? वो पेंडेंट में एक सीक्रेट फोटो रखती है। ओ वाह, इसमें किसकी फोटो है? जरूरत की ना अगर मेरे पास हाथ लाने की तो बहुत पछताओगे। इसकी चिंता मत करो, वो सिर्फ एक टॉम बॉय है। मेरिडा, तुम आखिर आई गई। मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर आकर ताजी हवा में टहल लेती हूँ, भूल गई थी कि तुम यहाँ हो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ओ, वो ऐसा है ना कि मेरी सुपर पावर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अच्छा वो छोड़ो, तुम मरमेड देखना चाहोगी क्या? वो देखो वहाँ पर एक ने अभी अपनी पूंछ हिलाई है। देखो देखो। किधर? अरे वहीं पर, जरा गौर से तो देखो, वहाँ अंदर देखो, वहाँ पर, वहाँ। और वो कहाँ है? अंदर से देखो। इडियट, डराया क्यों मुझे? हंस क्या रहे हो तुम? गुस्से में तुम्हारी नाक देखने में बड़ी प्यारी लगती है। फाड़ में जाओ। अरे रुको, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम गुस्से में और कहीं ज्यादा प्यारी लगती हो। क्या कॉम्प्लीमेंट है? अरे माफ करो, जिंदगी में पहली बार किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने। देखो मैं अभी ये सब कुछ सीख रहा हूँ। ठंड लग रही है, मुझे जाना चाहिए। अरे रुक जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ ना प्लीज। देखो मैं मैलिफिसेंट से कुछ सीख के आया हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ बुरा नहीं है। सही कह रही हो तुम। चलो पेयर्स में नाचते हैं। मैं टाइलर के साथ। और मैं नेट के साथ हूँ। अरे मैं नेट के साथ डांस करना चाहती हूँ। अरे कॉकटेल जम गया है। नेट प्लीज मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल मेरी राजकुमारी। मुझे करने दो, मैं लगभग। हाँ क्यों? मैं क्यों
शाबाश टिंकरबेल, हमेशा सब बर्बाद करती हो। मेरे लिए रुको। बस रपंजल को जगाना मत, मैं सो नहीं रही हूँ। कहाँ थी तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे लगा तुम डेट पर हो। हालांकि कौन सा लड़का ऐसे टॉमबॉय पर ध्यान देगा? सो जाओ वापस। जो भी। गुड मॉर्निंग टिंकरबेल। कैंडी? कैंडीज। क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो यह कैंडीज है। मुझे भी, मुझे भी चाहिए। इतनी सारी कैंडीज, पता नहीं ये कहाँ जा रही है। किसे परवाह है, बस उन्हें उठाओ। ओ, बाकी यहाँ है। एग्जाम में तुम सबका स्वागत है। अरे मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। बैठ जाओ। अरे एग्जाम होगा, नेट और टेलर इसके बारे में नहीं जानते, वो हमारी मदद कैसे करेंगे? चुप रहो, कहीं मैलेफिसेंट ये ना सुन ले कि यहाँ पर बौने हैं। तुम्हारा ये टास्क होगा, तुम्हें एक नॉर्मल ताज को जादुई ताज में बदलना है। क्या मतलब जादुई? स्कूल खत्म करने के लिए तुम सबको जादू पर कंट्रोल होना चाहिए। मैंने पहले ही सबको टास्क दिया है, करो। शायद मैं उस पर अपना पाउडर छिड़क सकती हूँ। तो हमारे पास उड़ने वाला ताज है। बकवास। मुझे कोशिश करने दो। लगता है तैयार हो गया, चेक करो। मेरे हाथ जम रहे हैं, मदद करो। अरे चिल्लाओ मत। हम पक्का से खुद नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी, हम आ गए हैं। बोने, हम सब ठीक कर देंगे। हो गया, हमने ताज बना लिया। इतनी जल्दी? और ये क्या करता है? ये खाना बनाता है। हाँ बस इंतजार करना होगा, चलो काम करो। प्लीज काम करो। अरे ये क्या हो रहा है? ये काम करता है, देखो ये काम करता है। एक और एग्जाम पास किया। शुक्रिया दोस्तों, हम तुम्हारे बिना क्या करते। मेरे बॉयफ्रेंड के पास मत जाओ। या मेरे? वे तुम्हारे क्यों हैं? ओ, लड़ाई होने वाली है। अरे मैं भी बोने से शादी करना चाहती हूँ। फिर दूसरा ढूंढो, ये मेरा है। क्या कर रही होगी मेरी प्रिंसेस? ये असहनीय है। क्या हो गया मिस मैलिफिसेंट, कोई दिक्कत? हाँ, ये राजकुमारियाँ पहला एग्जाम पास कर चुकी हैं, केवल एक बचा है। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं दे सकती। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब वो तैयार है ना? नहीं, वो जरूर कोई तरकीब लगा रही हैं। जाओ सच्चाई का पता लगाओ अभी के अभी, जल्दी। मुझे ना बहुत पसंद है कि लड़कियाँ मेरे लिए लड़ती हैं। तुम बेवकूफ हो, शांत हो जाओ, बस करो। मुझे एल्सा से प्यार है। एल्सा? वाओ वाओ, मुझे भी तुमसे प्यार है। किसे परवाह है, इसका मतलब नेट मेरा। हद
नेटो, नेट मेरा है। शायद हमें जाना चाहिए। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैं रपंसल पे शर्ट लगाती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सभी पसंद है। ये क्या मसल होने लिया इधर? और ये लड़का कौन है अभी? ये एक बोना है। क्या तुम क्या नहीं जानते कि बाहर वालों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है? काम खत्म, सब खत्म। जैक मेलिफिसेंट को सब बता देगा। शांत हो जाओ तुम, मैं जैक से बात करती हूँ। चलो। बेचारा जैक, मेरी डैब उसकी देखभाल करेगी। तुम सभी में से अभी तक किसी ने तय नहीं किया कि मेरी दुल्हन कौन बनेगी? बाद में फैसला करते हैं, मुझे नींद के लिए दवाई ढूंढने की जरूरत है। किस लिए? तुम हमेशा दिन में सो जाती हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाती। ये सब चल क्या रहा है? और वो लड़का कौन था जो आया था? एक एल्फ है नेट, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। वो हमारी एग्जाम में पास होने में हेल्प करता है। क्या तुमने चीटिंग की? मैं मेलिफिसेंट को बता दूंगा। जैक, नहीं रुक जाओ ना, मेरे लिए, मैं स्कूल से बाहर निकलना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो हम एक साथ भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेंगे? क्या क्या सच में मुझसे शादी करोगी तुम? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे वो बेवकूफ दवाई कहाँ पर है? सामान का ढेर लगा है लेकिन नींद के लिए कुछ भी नहीं। ओह, शायद यही है। मेरी बेटी को तुम नहीं ले जा सकती हो। और मुझे कौन रोकेगा? पापा मुझे बचाओ, बचाओ। शांत रहो अरोरा, तुम स्कूल में बेहतर रहोगी। पापा। अरोरा। ये क्या, मेलिफिसेंट ने मुझे किडनैप करा था। तो तुम सच में मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल मेरी जान। मेलिफिसेंट, राजा, दवाई। सांस ले लो और हमें बताओ कि क्या हुआ। मैंने असल में गलत दवाई पी ली और मेरी सारी यादें वापस आ गईं। हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल में नहीं भेजा, मेलिफिसेंट ने हमें किडनैप किया है। क्या क्या तुम्हें यकीन है? हमें लड़कियों को सब बताना होगा और यहाँ से भाग जाना चाहिए। पकड़ो उसे। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी तरफ हो? कोई मेरी मदद। चुप रहो, हमारा एक एग्जाम बाकी है और हम वैसे भी ये स्कूल छोड़ देंगे, वरना लड़कियाँ बगावत कर देंगी और हम हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे, समझी? समझ गई, मैं चुप रहूंगी। अच्छी लड़की हो। तो तुम्हें पता चला वो कैसे एग्जाम पास करते हैं? मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा इसमें, मुझे लगता है सच में वो सब सीख गई हैं। ठीक है, वो लास्ट एग्जाम पक्का पास नहीं करेंगे। तो आप उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं टहलने जा रही हूँ। मुझे मेरिडा को ये टेस्ट पास करने में मदद करनी होगी, फिर हम लोग हमेशा साथ में खुश रहेंगे। अरे मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ। अगर मेलिफिसेंट ने एग्जाम के बाद भी जाने नहीं दिया तो अपने पापा को चिट्ठी लिखती हूँ। पापा, ये आपकी बेटी स्लीपिंग ब्यूटी है, मैं मेलिफिसेंट की कैद में हूँ, बचा लो। हो गया। अरे गिर गया, अब क्या करूं मैं? उड़ने वाला डस्ट। चलो भी मेरे छोटे से प्लेन उड़ो। प्यारी राजकुमारियों, ये फाइनल एग्जाम है। टेस्ट? लेकिन हम तो जादुई स्कूल में है। तुम्हें थ्योरी जानने की भी जरूरत है, आगे बढ़ो। चिंता मत करो, बॉने हमारी मदद करेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। जैक, अंदर लाओ।
जाओ। बॉने अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, मैंने उनका जादू रोक दिया है। तो लड़कियों आगे बढ़ो, समय खत्म। ये टेस्ट के पेपर्स है, तुम इसे देखो और पास हो जाओ। तुम जानते हो तुम इसे कहाँ रख सकते हो? क्या वैसे हम तो साथ में भागने वाले थे, है ना? वो बॉनो को अपनी मालकिन को सौंपने से पहले था। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। अरोरा, तुम ये क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानूंगी। मुझे पता है तुमने हमें किडनैप किया है और मेरे पापा हमें बचाएंगे। क्या? अरोरा बेटी, कहाँ हो तुम? और वो आ गए। अरे नहीं, किंग हैरी नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो भूल जाओ उनको, हम लोग तो आराम करते हैं। ठीक है। मेरी बेटी। अरोरा, उसे दूर हो जाओ। नहीं, ये मेरे पापा है। वो खतरनाक है। यहाँ एकमात्र खतरा तुम हो। उसका विश्वास मत करो, मेलिफिसेंट सही कह रही है। मेरिडा, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा धोखा बहुत हो चुका। फिर बदल गया? जब जब मैं नर्वस होता हूँ मैं बदल जाता हूँ मैडम। बस इतना ही, जल्दी उससे उसकी छड़ी ले लो। किंग हैरी पकड़ो। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, मेलेफिसेंट। रुक जाओ। रुको, ऐसा मत करो जैक, करने दो उसे जो उसे करना है। बस एक आखिरी ख्वाहिश। बताओ। छोटी सी बच्ची, बाय बाय बाय। तुम राजकुमारियों को खत्म करके मैं हमेशा के लिए राजकुमार बन जाऊंगा। उससे दूर रहो। तुम किसी भी प्रिंसेस को नहीं छू पाओगे। देर कर दी तुमने आने में। क्या कर रही हो तुम? अब तुम 16वें बर्थडे तक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उसके बाद मैं उसको छिपा दूंगी। नहीं। ये क्या था? मेरी यादें। तो फिर मेलिफिसेंट ने हमारा किडनैप नहीं किया बल्कि हमें बचाया है। पापा, क्या ये सच है? हाँ, मेलिफिसेंट को मारने के बाद मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। जाने दो मुझे। अब हम उसके साथ क्या करें? उसे शीशे में भेज दो। लड़कियों पीछे हटो। क्या वो सच में वहाँ है? निकालो मुझे यहाँ से। अब तो हम पक्का सुरक्षित हैं। मुझे पापा को बुलाने के लिए माफ कर दो, मेरी वजह से हम सभी लगभग शीशे में होते। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। जरूरी बात यह है कि हम सब साथ हैं। और हम हमेशा ही साथ रहेंगे ऐसे ही। तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ, ये लो। हे, तुम रुपंजल के पास क्यों बैठ गई? क्योंकि उसने मुझे चुना है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो रुपंजल से प्यार है। तुम टाइलर और मेरे बारे में भी जानती हो। तो यहाँ नए कपल है। पार्टी हो रही है? हाँ बिल्कुल, बैठो ना। तो क्या अभी तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैलिफिसेंट ने मुझे बताया कि उसी ने बॉनो को पीछा करके उन्हें ट्रैक किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और मैं तब से इतना डरा हुआ था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ।
अब इसे कहते हैं प्यार में ट्विस्ट। अरे नहीं, मैंने अपने लिए बॉने बुलाए और तुम लोगों ने उसे छीन लिया, और जैक को भी, मेरे जैक को। आप हमेशा दिन में सोती रहती हैं। हेलो लड़कियों, रुको।